देश में श्रम कानूनों में फेरबदल के विरोध में हिमाचल किसान सभा ने शिमला की कसुम्पटी चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों व मजदूरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। श्रम कानूनों को कोड में बदलने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर पूरे देश में किसान सभाओं द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी के चलते वीरवार को हिमाचल किसान सभा ने शिमला के कसुम्पटी चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसानों व मजदूरों ने सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लिया। इस मौके पर सिटी चैनल से बात करते हुए हिमाचल किसान सभा के जिला अध्यक्ष सत्यवान पुंडीर ने बताया कि नए प्रस्ताव के तहत देश के साथ साथ प्रदेश के लाखों किसानों व मजदूरों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने मांग की कि किसानों व मजदूरों के हकों के प्रावधानों को श्रम कानूनों से खत्म न किया जाए। उन्होंने कहा कि इस फेरबदल से किसानों के अधिकारों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे वे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कि ये जो श्रम कानूनों पे हमला हुआ है, इन कानूनों को जो भी बिल के रूप में लाया गया है, इसे बहाल करना होगा, वापस लेना होगा। नहीं तो ये जो हमारा श्रमिक जमात है, जो लेबर क्लास है हमारी, उन पर बहुत बड़ा हमला है और उसमें हमारे आउटसोर्स कर्मचारी आते हैं, उसके अंदर हमारे आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ये सभी तमाम जो स्कीम वर्कर्स जो मिड डे मील हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो ये जो आने वाले समय के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा और हम देख भी रहे हैं कि जैसे इकोनॉमी का स्लो डाउन चला हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे बेरोजगारी जमात बढ़ेगी और जो मिनिमम राइट्स, जो अधिकार हैं मजदूरों के, उनको भी खत्म किया जा रहा है। तो इसलिए आज किसानों की एकजुटता दिखाने के लिए ये हमारा पूरा जो एक समर्थन है किसानों का मजदूरों के साथ, इस संबंध में जो है आज पूरे देश के अंदर ये धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।